शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है, तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया, बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए, तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। मैं अब इसको बदलना चाहता हूं, और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है। कभी भी आप करके देख लो, आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो, पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो। आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे, दाल में, सब्जी में, वगैरह वगैरह। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो। 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी है। तो वो कहते हैं बागवट जी की पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। अब तीसरी चीज पे आते हैं, पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा। जीरा 2 तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना? काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। आप एक नियम ध्यान रख लो, मैंने आपसे कल कहा था, जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंग का है। भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा 2 है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के लिए। तो आपकी रसोई में एक हो गया घी देशी गाय का पित्त को खत्म करने, दूसरा हो गया अजवाइन, तीसरा हो गया जीरा, और एक चीज हींग। हींग तो आप सब समझते हैं ना, हींग। हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं। हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया 2 तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए, दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिए में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में यह प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा सूखे में कम, बिल्कुल नहीं है, दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं।